नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का बाजार शास्त्र में। मैं हूं प्रियंका उप्पल आनंद। बाजार शास्त्र, जी हां, बाजार का एक अपना शास्त्र है, अपने कायदे हैं, अपने कानून हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और क्या ये कायदे कानून सीखना आसान है, इन्हें इम्प्लीमेंट करना कितना आसान है, इन्हीं सब मुश्किलों से अगर आप घिरे हैं तो समाधान हमारे साथ है, क्योंकि हमारे साथ सुनील मिग्नानी बने हुए हैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। मार्केट की बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे फंडामेंटल है, अपना एक शास्त्र है। इस शास्त्र में एक शब्द ट्रेडिंग का भी आ जाता है, जो बहुत अहम है, लेकिन ट्रेडिंग करना लोग नहीं जानते हैं। नहीं, ट्रेडिंग करना लोग नहीं जानते, लेकिन फिर भी करते तो हैं। और ट्रेडिंग के बारे में देखिए, बहुत सारी सोच अलग अलग हैं लोगों की। कई लोग सोचते हैं इंट्राडे की ट्रेडिंग ट्रेडिंग होती है, कई लोग सोचते हैं शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग होती है, और लॉन्ग टर्म तो लोग ज़बरदस्ती बन जाते हैं। लॉन्ग टर्म होता तो यहाँ कोई है नहीं। ट्रेडिंग हम लोगों का जो कहना रहता है कि ट्रेडिंग सीखना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये कोई सीखने वाली चीज़ है। ज़्यादातर लोग इसको जुआ मान लेते हैं, बोलते हैं अच्छा इसको भी सीखना पड़ेगा, अच्छा इसमें कुछ सीखने जैसी चीज़ है। ट्रेडिंग एक्चुअल में सीखा जा सकता है प्रैक्टिस से, जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं। ट्रेडिंग में भी आपको वैसे ही दिक्कतें आती हैं। जब आदमी शुरू में आता है काम करने के लिए, उसको ऐसी दिक्कत आती है, उसको लगता है यार ये सब कुछ मुझे करना पड़ेगा, सारा दिन न्यूज़ चैनल देखो। गाड़ी चलाते हैं आप, कैसे होता है देखिए, आपको लगता है कि सिर्फ एक रेस समझ लिया, गियर समझ लिया। और नो, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो जब आप जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं, ट्रेडिंग सीखना बिल्कुल सेम उसी तरह की आर्ट है। गाड़ी चलाने में स्टार्टिंग में जब आप जाते हैं, आपके साथ ट्रेनर बैठता है, ट्रेनर आपको बताता है कि हाँ ये स्टीयरिंग है आपको संभालना है, ये गियर है, नीचे तीन पैडल हैं, आपको साइड मिरर देखना है, आपको बैक मिरर देखना है और फ्रंट में देखना है। जब आपको ये पता चलता है कि सारे काम मुझे करने हैं तो क्या मैं कर पाऊंगा, शायद आप थोड़ा डर जाते हैं। डर नहीं जाते, बुरी तरह डर जाते हैं कि तीन पैडल नीचे दिए हैं और दो पैर भर दिए हैं भगवान ने, या तो भगवान गलत है या एक पैडल फालतू लगा है, क्योंकि मैनेज कैसे होगा। ऐसे ही जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो आपको ये लगता है ये सारे काम मुझे करने पड़ेंगे, बाहर का डेटा देखो, डाओ देखो, FIs देखो, न्यूज सुनो, फंडामेंटल देखो, टेक्निकल देखो, सपोर्ट देखो, रेजिस्टेंस देखो, कहाँ से गिरा वहाँ देखो, कहाँ से उठा वहाँ देखो, सारी खबर रखो, और फिर भी लॉस। तो लेकिन गाड़ी चलाना सीखते हैं जब आप, शुरू शुरू में आपको लगता है कि सारे काम मैं कैसे कर पाऊंगा, स्टीयरिंग भी मुझे संभालना है, गियर भी मुझे बदलने हैं, पीछे भी देखना है, आगे भी देखना है, फ्रंट में भी देखना है, गैप भी देखना है, सब कुछ देखना है। शुरू शुरू में उसको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप देखिए जो गाड़ी चलाना जब आप सीखते हैं, शुरू में आपको दिक्कत आता है, 6 महीने बाद कैसे होता है, आप गाड़ी भी चल रही है, बात भी कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, फोन पे बात भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और गाड़ी चल रही है, ऑटो ड्राइव का बटन दबता है अपने आप चलता जाता है। कब रेड लाइट हुआ, कब रुका, कब चले, आपको नहीं पता। ट्रेडिंग भी ऐसी है, शुरू शुरू में आपको लगेगा आपको बहुत कुछ देखना है, आपको सब चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको सीख जाएंगे आपको दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आपने कहा कि ट्रेडिंग में भी ट्रेडिंग को सीखने की जरूरत है, बिल्कुल। इसको सीखा कैसे जाए? देखिए ऐसा है, हर चीज के लिए आपको कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा। आज आपने स्कूलिंग की होगी तो किसी ने आपको सिखाया होगा, आप कॉलेज में गए होंगे तो सिखाया होगा, आप यहाँ एंकर हैं तब भी कहीं सीखे होंगे, हर चीज आपको सीखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लोग समझ लेते हैं यहाँ पे क्या सीखने की जरूरत है, ये तो कुछ सीखने, ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी हो, हर काम को आपको सीखना ही पड़ेगा। एक्चुअली टीचर होता है वो क्लास में ट्रेनिंग देता है, ये ट्रेनिंग है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी मार्केट के अंदर, कैसे आपको काम करना है, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉसेस लगाने हैं, ट्रेड कैसे चुनने हैं, स्टॉक कहाँ से देखने हैं, हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है इसके लिए। लेकिन ये ट्रेनिंग तो एक लॉन्ग प्रोसीजर हो सकता है, इसको सीखते सीखते धीरे धीरे आप समझ अपनी अपनाएंगे, लेकिन उस बीच कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद अपनी समझ लगाते हैं या फिर दूसरों को फॉलो कर लेते हैं, दूसरों को फॉलो करके आप अपना काम कर लेते हैं, क्या ये फॉलो करना गलत होगा या फिर फॉलो किया जा सकता है? नहीं, फॉलो किया जा सकता है, लेकिन फॉलो करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं वो क्या है, वो कौन है। लोग हमारे पास भी आते हैं, वो कहते हैं सर हमने वो स्टॉक लिया, देखिए वो LIC ने लिया। हम उससे पूछते हैं आप LIC हो? आपके पास 2 लाख रुपए लगाने के लिए हैं, 300 पॉइंट मार्केट गिरेगा, आपको बुखार हो जाएगा, आपका ब्रोकर फोन करेगा आपका मार्जिन के कारण मैं माल काट रहा हूं, आप मुकाबला LIC के साथ कर रहे हो, उसके पास 25 साल के लिए पैसा है, उसने बेचना नहीं है वो स्टॉक, उसने रखा हुआ है वो स्टॉक, उसको मालूम है कौन सी कंपनी, आपने जिस दिन लेना है उसी दिन टीवी देखना शुरू कर देना है क्या रेट होगा, मुकाबला LIC के साथ। आप हो क्या, आप हो जो आप मुकाबला उसी से करो ना। लोग कहते हैं FIs माल ले रहे हैं इसलिए हम भी ले रहे हैं, उनसे पूछिए आप FIs हो, क्या है आपके पास,
5 लाख रुपए की कैपिटल आपके पास नहीं है, फ्यूचर में आपने माल उठा रखा है, ब्रोकर तीसरे दिन आपका माल काट देगा, आप मुकाबला एफआईएस के साथ कर रहे हो। लोग फॉलो तो करते हैं लेकिन वो फॉलो गलत आदमी को करते हैं एक्चुअली। तो यानी फॉलो करना गलत नहीं है? बिल्कुल, हम भी फॉलो करते हैं जो भी टेक्निकल एनालिसिस, अभी हमने बात किया लास्ट एपिसोड में कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो भी फॉलो करता है किसी न किसी को, इनडायरेक्टली डायरेक्टली फॉलो कर रहा है, वो प्राइस फॉलो कर रहा है, किसी स्मार्ट आदमी को फॉलो कर रहा है। फॉलो करना गलत नहीं है, आपको अपनी हदें पता होनी चाहिए। छोटा इन्वेस्टर जो होता है ना वो इसीलिए प्रॉब्लम में आता है। एक अब छोटा इन्वेस्टर में ना दो वर्ड है, एक छोटा और एक इन्वेस्टर। छोटा इन्वेस्टर जिसको हम बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर, उसमें उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो थोड़े पैसे से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। एक स्टोरी सुनी थी मैंने, एक बार एक आदमी था, उसको मालूम चल गया कहीं से या उसे सुन लिया किसी से कि पैसा पैसे को खींचता है, कहीं से सुन लिया उसने। तो बहुत गरीब आदमी था, पुअर मैन, उसको सड़क पे पड़ा हुआ 1 रुपया मिल गया कहीं से, उसने वो 1 रुपया उठाया, 1 रुपया उठा के वो एक साहूकार सेठ जो होता है उसके पास पहुंचा, उसके टेबल पे जाके 1 रुपया रख दिया। साहूकार ने पूछा क्या कर रहा है तू? उसने बोला मैंने सुना है पैसा पैसे को खींचता है, मैं आज अपने पैसे से आपका पैसा खींचूंगा। वो बोल रहा है कैसे पागलों वाली बातें कर रहा है बेटा, ऐसा नहीं होता, ये बोला जाता है, ये एक टर्म है, बोला जाता है पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन ऐसा तुम कैसे करोगे? उसको उसने समझाया 10-15 मिनट, ये वो बातें हुई, इन बिटवीन उस सेठ ने जो साहूकार था 1 रुपया नीचे सरका के टेबल के रख लिया, यानी जो 1 रुपया था वो भी चला गया। अब वो आदमी उठा, ठीक है जी मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं किसी और का पैसा खींचूंगा। उठा देखा टेबल में पैसा ही नहीं है, देखा मेरा 1 रुपया पड़ा था, यहाँ कहाँ गया? तो सेठ बोला मेरे ज्यादा पैसे ने तेरे थोड़े पैसे को खींच लिया। यही इस मार्केट का सच है, छोटे इन्वेस्टर्स लूज कर जाते हैं। इस मार्केट में छोटा पैसा ज्यादा पैसे को खींचने की कोशिश करता है, इसीलिए ज्यादा पैसा छोटे पैसे को खींच लेता है। छोटा निवेशक होना, अनट्रेंड होना कोई बुरी बात नहीं है, ट्रेनिंग ली जा सकती है, समझ ली जा सकती है, और उसके बाद भी आपके पास जो कैपिटल है अब उतना ही चाहिए ना, थोड़े पैसे से ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता, उसे उतने कम ही आएगा पैसा। लेकिन लोग यहाँ उल्टा काम करते तो उल्टा आएगा तो उल्टा करेंगे। तो यानी छोटा इन्वेस्टर अक्सर पैसा गवा देता है, यानी जो थोड़ी बहुत पूंजी उसके पास बची होती है उससे भी कहीं ना कहीं वो गवा देता है। क्या मूल कारण है इसके पीछे, क्या ऐसी गलतियां जो वो नहीं समझ पा रहा, इसी पर चर्चा करेंगे और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए बाजार शास्त्र। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र, सुनील मेरे साथ बने हुए हैं। सुनील, इंट्राडे ट्रेडर क्यों लूज कर देता है? एक रिटेल इन्वेस्टर जब कोशिश करता है, वो इंट्राडे खेलने की कोशिश करता है, वो अपना पैसा गवा देता है। इंट्राडे ट्रेडिंग सच में इतनी मुश्किल होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग तो मुश्किल काम है, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो करते कौन लोग हैं। दो तरह के लोग होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले लोग। एक वो लोग होते हैं जिन्हें रात को अपना माल छोड़ के जाने में इस मार्केट में प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं हम नाइट का रिस्क नहीं ले सकते, अगले दिन गैप अप ओपनिंग हो जाएगा, गैप डाउन ओपनिंग, ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो सकता, ग्लोबल सिनेरियो चेंज होगा, कोई न्यूज आ गया, कुछ हो गया, तो वो नाइट का रिस्क नहीं लेते, वो इसलिए वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। नंबर टू, दूसरी तरह का आदमी वो है जो अभी इस मार्केट के बारे में कुछ जानता नहीं है और वो शुरू शुरू में काम करने के लिए आया और वो सोचता है कि हाँ चल मैं थोड़ा बहुत इंट्राडे ट्रेडिंग करके देखता हूँ। दोनों तरह के आदमी गलत है, इसीलिए लॉस करते हैं। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग जो है एक आर्ट है, वो बहुत छोटी मूवमेंट्स को पकड़ना, उनके ऊपर काम करना। और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं ये जुआ होता है, ये होता है, जो भी। इंट्राडे ट्रेडिंग कोई पाप नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, आप कोई पाप नहीं कर रहे हो। हमारी सोसाइटी के अंदर आप जब देखेंगे सैकड़ों काम ऐसे हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह है। आपका दूध वाला है, आपका ब्रेड देने वाला है, इंट्राडे ट्रेडर है वो, मॉर्निंग में लेता है, इवनिंग में सारा माल बेच के पैसे घर ले जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग। सुबह ले रहा है, शाम को बेच रहा है। आपका सब्जी वाला है, आपका फ्रूट वाला है, क्या करता है? सुबह होलसेल मार्केट में जाता है, सामान खरीदता है, शाम को आपको बेच के पैसे घर ले जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग। अगले दिन फिर से नया। इंट्राडे ट्रेडिंग कोई पाप नहीं है, आप सेम डे आपने लिया
शाम को आपने 3 बजे 3:30 बजे काट दिया प्रॉफिट कमा के, वो कोई पाप नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। देखिए, जब आपको एक ही दिन में मुनाफा बुक करना है तो आपको उतनी ही एफिशिएंसी चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग 400 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चलाने के बराबर है। उसमें आपको सारे फैसले उसी 5 घंटे में लेने हैं। ट्रेड लेना भी, आइडेंटिफाई भी करना है, ट्रेड लेना भी है, प्रॉफिट बुक करना है, उसके बाद बाहर भी निकलना है। तो इसीलिए जब भी लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर अभी हमने ना शुरू किया है काम करना और शुरू शुरू में ना हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इंट्राडे ट्रेडिंग वो लोग करते हैं जो सब कुछ कर चुके हैं। यानी सबसे बाद में आने वाली चीज सबसे लास्ट में आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे पहले कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग वो ट्रेडर करता है जो सारी क्लासेस पार कर चुका होता है, जिसको इनिशियल आप, वो आदमी कैसे पास कर पाएगा जो 12th class का एग्जाम दे रहा है और जिसने 1st class भी नहीं किया है, फिर वो कहता है मुझे पैसा नहीं बन रहा। वहां पे हर डिसीजन आपको जल्दी लेना है, आपकी एनालिसिस स्ट्रांग होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, आपको डिसीजन जल्दी लेना है, ट्रेड एग्जीक्यूट जल्दी करना है, बाहर जल्दी निकलना है, हर काम जल्दी करना है। गाड़ी चलाना, आज आप गाड़ी चलाना जानते हैं, लेकिन मैं आपको कहूं कि आप जाके 400 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, आप चला सकते हैं? अगर मैं चलाना जानती होंगी तो ही चला पाऊंगी। लेकिन आप गाड़ी चलाना जानते भी हो तो भी 400 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चलाने में एक अलग तरह की एफिशिएंसी चाहिए, अलग तरह की एक्सपर्टीज चाहिए, अलग तरह की ट्रेनिंग चाहिए, वो नहीं है आपके पास। आप 60-70 किलोमीटर की स्पीड तक गाड़ी चला सकते हैं। तो यानी इंट्राडे ट्रेडिंग आप शुरुआत में नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, आपको पूरा ट्रेनिंग लेना होता है, टाइम देना होता है अपने को। इंट्राडे ट्रेडिंग एक बिल्कुल अलग तरह का आर्ट है। कोई ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, अगर वो ये सोचता है कि मैं ट्रेडिंग करना जानता हूँ, मुझे स्टॉक आइडेंटिफाई करना आता है, मुझे लेना आता है, मुझे तो मैं इंट्राडे कर पाऊंगा, नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल अलग तरह का आर्ट है। चलिए, इंट्राडे ट्रेडिंग आप कह रहे हैं कि सबसे बाद में आनी चाहिए, इस शुरुआत में नहीं आनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि आप देख कर दूसरों को फॉलो करके समझ कर और फिर अपनी एनालिसिस लगाकर काम कर पाए? देखिए, फिर वही बात है कि हमने जैसे अभी अपने किया बात, फॉलो करने में प्रॉब्लम ये होता है कि आप सामने वाले का मूव देख लेते हैं, सामने वाले ने कैसे किया आप वो नहीं देख पाते। जब आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, आज आप यहां से जा रहे हैं, मैं आपको जाता हुआ देख लूंगा, आपने यहां से जाके प्रॉफिट कमाया मैं वो देख लूंगा, लेकिन कैसे कमाया मैं को ये नहीं पता। नहीं, एक अगर रिटेल इन्वेस्टर है, उसने घर बैठे टीवी पे एक स्टॉक देखा, एक एक्सपर्ट ने बताया उसे इंट्राडे के लिए ये लेवल पॉसिबल है, आज आप इन्वेस्ट करिए, आप इन्वेस्ट करिए टाटा मोटर्स में, आपको ये पॉसिबल लेवल दिख जाएंगे और यहां स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसने उसकी एडवाइस सुनी, कहीं ना कहीं फॉलो कर लिया और शायद उसे मुनाफा भी हो गया। आप ऐसे किसी को फॉलो नहीं कर सकते आंखें बंद करके। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक छोटा सा तालाब था, उसमें 3 फिश था, बहुत पुराना स्टोरी है, शायद आपने सुना होगा। उसमें 3 फिश था, उसमें एक जो फिश था वो बहुत इंटेलिजेंट फिश था, बाकी 2 फिश थे, वो जो 2 फिश थी वो उस फिश की फॉलोअर थी, जो वो करती थी वो वही करती थी। एक दिन वहां फिश पकड़ने वाला आया, उसने जाल बिछाना शुरू किया, तो जो इंटेलिजेंट फिश था उसको लगा कि अभी ये जाल बिछाएगा तो हमको पकड़ के ले जाएगा। उसने क्या किया, उसने छलांग मारा और उसके पास जाके बैठ गया और अपना सांस रोक लिया। जो फिश पकड़ने वाला था उसने उठाया, देखा कि तो मरा हुआ है, उसने उठा के दूर फेंक दिया। अब जो बाकी दोनों देखने वाले थे, उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हमारे तो दिमाग में नहीं आया कभी भी। उन्होंने भी दोनों ने छलांग लगाया और उसके पास जाके बैठ गए, लेकिन सांस नहीं रोकी, क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसने सांस रोकी थी। उसने उठाया, देखा दोनों जिंदा है, उसने डाली। आपको दूसरे का छलांग मारना दिख जाएगा, उसका सांस रोकना नहीं दिखेगा। जो आदमी आपके सामने इंट्राडे में मुनाफा बना रहा है और आप उसको देख के इंट्राडे करना शुरू कर देते हो कि सामने वाला कमा रहे तो मैं भी कमा सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं पता उसने कितने ट्रेनिंग लिया, उसके लिए अंदर कहाँ वो सांस रोक रहा है आप नहीं जानते, उसने उसके लिए कितना टाइम दिया होगा, कितना सब कुछ किया होगा। आंखें बंद करके आप फॉलो नहीं कर सकते, आंखें बंद करके नहीं फॉलो कर सकते, नकल के लिए भी अकल चाहिए। यानी एक बात बहुत साफ है कि मार्केट में, या फिर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कहें, वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है या शॉर्ट टर्म कर रहा है या फिर लॉन्ग टर्म कर रहा है, उसके पास गंवाने के चांसेस बहुत ज्यादा है और कमाने के कम। ये गंवाने के चांस किस तरह से कम किए जा सकते हैं, क्या क्या और बातें हैं जिनको ध्यान में रखना होगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आ सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बाजार शास्त्र की। हम यहाँ बात कर रहे हैं और सुनील हमारे साथ बने हुए हैं। ये फिशेज वाला एग्जांपल शायद बहुत पहले टेक्सट बुक में पढ़ते थे, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है जो मार्केट्स में लगता है। अगर इसी को रिलेट करें, एक इन्वेस्टर है, माफ कीजिए, रिटेल इन्वेस्टर मान लेते हैं उसे, उसने टीवी पे सुना एक एक्सपर्ट ने उसे स्टॉक रिकमेंड किया, उसने कहा वॉकआउट खरीदो, वॉकआउट के लेवल्स भी बता दिए आपको, स्टॉप लॉस बता दिया आपको, टारगेट बता दिया। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस का ख्याल रखें, उसके बाद भी रिटेल इन्वेस्टर स्टॉप लॉस नहीं लगाता, ऐसा क्यों? देखिए, स्टॉप लॉस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये समझ हो कि जैसे हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि लॉस जो है, लॉस लेना हमारे हिंदुस्तान का कल्चर समझ लीजिए आप, यहाँ पे लॉस ना पाप माना जाता है कि घाटा कैसे खा लिया, घाटा नहीं खाना। लेकिन लॉस जो है, हमने पहले बात किया है, इस पूरे बिजनेस का, अगर आप इसे बिजनेस मानते हैं तो उसका एक हिस्सा है वो। बिल्कुल, ये बात कर चुके हैं हम। अगर हम उस लॉस को नहीं, अगर हमें इतनी कन्विक्शन नहीं है तो हम वो लॉस ले नहीं पाएंगे। नंबर टू, स्टॉप लॉस नहीं लगाते लोग, ऐसा नहीं है, स्टॉप लॉस लगाते हैं वो, कई बार फॉलो करते हैं, अधूरा भी करते हैं, टीवी पे देख लेते हैं, आपने बोल दिया स्टॉप लॉस लगाइए, उन्होंने एक बार लगा भी लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम और आता है उनके सामने, वो कहते हैं जब भी स्टॉप लॉस लगाते हैं सर हमारा स्टॉप लॉस कट जाता है। अब मार्केट का एक सिस्टम है, अब वो उन्होंने अधूरा काम किया, वही किया उन्होंने, फॉलो किया, लेकिन बाकी चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं वो। मार्केट कैसे काम करता है, अगर आपको इतनी चीज की समझ हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि आप जो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं बार बार वो हिट हो रहा है, और उसके मार्केट चाहता है आप स्टॉप लॉस ना लगाइए। मार्केट को अगर गिरना है तो आपको वो रोक देगा स्टॉप लॉस लगाने से। आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आप दूसरी बार लगाते हैं स्टॉप लॉस फिर हिट होता है और ऊपर, फिर लगाते हैं फिर हिट होता है, चौथी बार आप कहते हैं छोड़िए अब मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाते, जिस समय आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते उसी समय आपका स्टॉप लॉस कटता है और वो और नीचे। यानी अगर आप एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हुआ लेकिन फिर बाउंस बैक आ गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर बाउंस बैक गया, तो पांचवी बार आप इतनी तसल्ली कर लेते हैं कि इस बार भी नहीं होगा। मार्केट का यही तरीका है, ये तरीका आपको पता होना चाहिए। मार्केट ने जहां जाना होता है वहां जाने के लिए कम से कम चार बार वहां से जाके वापिस आती है। आप इस गेट से बाहर जाना चाहते हैं, आप इस गेट से बाहर जाइए फिर वापिस आ जाइए, फिर जाइए फिर वापिस आ जाइए, आप चौथी बार जाएंगे ना, मुझे विश्वास ही नहीं होगा क्या आएंगे नहीं वापस। शेर आया, हर बार उनको लगता है शेर आया, और जब पांचवी बार वो नहीं कहते नहीं आएगा तो उस समय शेर आ जाता है। वही होता है मार्केट के अंदर। और कुछ लोग, जिसे आपने बोला स्टॉप लॉस नहीं लगाते, क्योंकि वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। मैंने आपको पहले बोला, एक लोग हैं वो इंपॉर्टेंस नहीं समझते, दूसरे लोग हैं इंपॉर्टेंस समझते हैं लेकिन उनको सिस्टम नहीं पता कि इस स्टॉप लॉस को लगा रहे हैं हम तो चाहे एक बार हिट हो, चाहे तीन बार हिट हो, चाहे चार बार हिट हो, हमें हर बार लगाना है, क्योंकि जिस बार हमने नहीं लगाया में भी वो ये टाइम हो सकता है कि तब हमारा लॉस बढ़ जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो अपने आप को बोलते हैं इस मार्केट में, वो ज्यादातर उन्हीं समयों पे बनते हैं, वो लेते हैं स्टॉप लॉस नहीं लगाते और फिर लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, जबरदस्ती के लॉन्ग टर्म कहते हैं उनको हम कि वो जबरदस्ती के लॉन्ग टर्म है, राइट, अनइंटेंशनल बनते हैं। और स्टॉप लॉस की बात से मुझे याद आया, आप पहले भी ये बात कर चुके हैं, इंडीड एक बहुत अच्छा इलैबोरेटेड एग्जांपल आपने दिया था कि जब आपने बताया था कि किस तरह से चोर चोरी करता है और स्टॉप लॉस लगाता है। स्टॉप लॉस यानी आपका एक बार ट्रिगर हो, दो बार ट्रिगर हो, कितनी बार भी ट्रिगर हो, स्टॉप लॉस पर आपको ट्रेड काटने का, या तो आप काम मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा तीन बार स्टॉप लॉस लग गया, मैं काम मत कीजिए, छोड़ दीजिए उसको, जरूरी नहीं है, इनविटेशन कार्ड नहीं आया आपको, मार्केट ने नहीं बुलाया आपको, आप नहीं थे तो भी मार्केट चल रही थी, आप नहीं होंगे तो भी मार्केट चलेगी, आपसे अच्छी चलेगी, आपको इनविटेशन कार्ड नहीं आया मत आइए, आइए तो सिस्टम से आइए। पर इस लालच का क्या करें, अगर आपको लगता है कि शायद मैंने अगर स्टॉप लॉस नहीं काटा होता, बाउंस बैक कर गई होती मार्केट और मेरा पैसा जहां मैं अभी सिर्फ 1400 कमा रहा हूं शायद 2400 हो जाता, तो इसी लालच में तो फंस रहे हैं ना वो, आप देखिए ना, इसी लालच में तो फंस रहे हैं वो, बार बार वो इसी तरीके से करते हैं और आखिरी बार उनको लगता है यार तीन बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, छोड़ो इसको अभी मत लगाओ, क्योंकि वो अब वो लॉस नहीं देना चाहते, वही ग्रीड तो उनको मार रहा है। यानी बहुत जरूरी है, चाहे आपका स्टॉप लॉस कितनी बार भी ट्रिगर हो, बेसिक रूल है स्टॉप लॉस लगाना और इसे आपको फॉलो करना ही होगा। सेंटिमेंट्स कुछ भी कहें, ग्रीड आया आपके दिमाग में या फियर आया आपके, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट्स है। लॉस जहां आता है वहां पे सोच तो ये आ ही जाता है ना, लॉस जहां आता है वहां ये सोच तो आ ही जाता है कि हाँ नहीं मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, कि मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन लॉस करना ही तो पार्ट है। हम बोल रहे हैं आपको, आप 10 ट्रेड लेते हैं, 10 ट्रेड में से आप 2 में स्टॉप लॉस कटवाते हैं, 3 में स्टॉप लॉस कटवाते हैं, अगर आपने 10 के 10 ट्रेड पूरी एनालिसिस से लिए हैं, समझ से लिए हैं, तो 10 में 10 तो हिट नहीं होगा आपका स्टॉप लॉस। अगर 10 में 10 हिट हो रहा है आपका स्टॉप लॉस तो फिर जाइए दोबारा वर्किंग कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो बाकी जो बचे हुए स्टॉक हैं उनमें जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर राइड कीजिए।
यहाँ पर लोगों में एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो प्रॉफिट पे राइड नहीं कर सकते। अच्छा, मिस्टेक्स के लिए हम कहते हैं कि चलिए अपनी, यहाँ आप जिस तरह से बता रहे हैं कहीं ना कहीं गलती ही है हमारी इस, अगर हम रूल को नहीं लगा पाते या अपनी समझ को, अपने आप को नहीं समझा पाते, उस डायरेक्शन में ला पाते। कहा जाता है कि मिस्टेक्स से आप सीख सकते हैं, गलतियों से सीख सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कितने लोग न्यूमरस गलतियां करते हैं, नंबर ऑफ मिस्टेक्स, गलतियों से सीखा जा सकता है और सिर्फ अपनी गलतियों से ही सीखा जा सकता है। एक्चुअल में देखिए, लाइफ के अंदर ये एक रूल है कि आप गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप सब कुछ अपनी गलती से सीखने की कोशिश करेंगे ना, तो महंगा बहुत पड़ने वाला है आपको। रीजन, यहां पर किसी भी ट्रेड में से आप फ्री में बाहर नहीं आ सकते। आपने आज एक ट्रेड ले लिया, आप उसमें से मुफ्त में बाहर नहीं आ सकते। आपने ट्रेड लिया, अगर 10 मिनट बाद भी आपको लगा कि नहीं मैंने गलती कर दी, मुझे बाहर आना है, तो भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते सर मैं तो गलती से आया, मैं तो जा रहा था, मैं तो जाते थे सोचा ले लेता हूँ, समय बर्बाद। नो, आपको वहां पर लॉस लीजिए, बाहर आइए। हर ट्रेड की कीमत है यहाँ, अगर आप बराबर में भी काटेंगे तो भी ब्रोकरेज देके छूटेंगे। बिल्कुल, जब आप हर ट्रेड की कीमत है आपकी, हर मिस्टेक यानी कि आपने एक गलती की, उससे भी आप मुफ्त में बाहर नहीं आ सकते। Every mistake comes at a cost. हर बार कुछ ना कुछ पे करें, और ये पे शायद आप मॉनेटरी टर्म्स में हो सकता है, मॉनेटरी टर्म्स में भी एनर्जी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप अपनी मिस्टेक कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, तो दूसरे की मिस्टेक से भी सीखिए। जो सिखाने वाले लोग हैं यहाँ, जो ट्रेनर हैं, आप क्या सोचते हैं वो ट्रेनिंग कहीं ऊपर से लेके आए हैं? उन्होंने इसी मार्केट से ट्रेनिंग लिया है, और इस मार्केट से जो ट्रेनिंग लिया है वो यही मिस्टेक कर करके सीखे हैं। गलतियां कर करके ही इंसान सीखता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आप ही गलती कर करके सीखे, दूसरों की गलतियों से भी सीखिए। बिल्कुल बिल्कुल, घर को आपको टेस्ट करना है, उसके लिए उसको खाने का जरूरत नहीं है आपको। दूसरे को देख लीजिए कि वो खाके हो गया खत्म, तो आप समझ लीजिए कि मैं खाऊंगा मैं भी मर जाऊंगा। जरूरी नहीं है आप उसको खाके टेस्ट करें। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जहर को खुद खाना पड़े तभी पता चले कि जहर था, और ये पॉइजन कैन हार्म योर लाइफ इन दी टेक योर लाइफ। तो यानी दूसरों की गलतियों से भी सीखा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और शायद ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे हम हर बार सोचते हैं कि शायद मैं अपनी गलतियों से खुद सीखते चले जाऊंगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखता है इंसान, गिर गिर कर ही तो सीखता है। जरूरी नहीं आप खुद गिरें, आप दूसरों को भी जब गिरता हुआ देखते हैं तब भी उससे सीख जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो यहाँ सुनील ने हमसे शेयर किया। इनफैक्ट बहुत सारे और सवाल मेरे मन में क्रॉप अप हो गए, और आई एम श्योर कि आपके यानी घर बैठे हमारे व्यूवर के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल इस समय उमड़ रहे होंगे, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब देंगे और साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, सुनील भी हमारे साथ होंगे। शुक्रिया सुनील शो में बने रहने के लिए। इसी के साथ नमस्कार। आज 3 बजे का टाइम है और 3 ट्रेड है आपके पास, 2 प्रॉफिट में है, 1 लॉस में है, और 1 ट्रेड जरूर काटना है। कौन सा काटेंगे? मतलब मेरे पास इतना मार्जिन नहीं है, मैं घर सिर्फ 2 ही लेकर जा सकती, 2 ही लेकर जा सकती। तीसरा मुझे लगेगा कि प्रॉफिट वाला है तो प्रॉफिट बुक कर लेती हूँ, लेट्स कीप द प्रॉफिट इन पॉकेट, और 1 प्रॉफिट वाला ट्रेड काट दूंगी। हर आम ट्रेडर यही करता है, लेकिन ये गलत है।